हमारे सामने आज आई है बिहार से एक्सपल्स 4B, और जो मॉडिफिकेशन है वो आपको दिखा दूंगा, लेकिन दिखाने से पहले आपको दिखाना चाहता हूँ इसके वायरिंग जो करते हैं ना हम लोग, चाहे कोई सी वायरिंग हो, हम करते हैं वायरिंग को इजी टू फिटेड प्रॉपर कपलर टू कपलर, वो आपको लुक चेकआउट कराता हूँ। और बाकी जो मॉडिफिकेशन है वो तो इसके अंदर आपको देखने मिल ही जाएगी। पहले मैं दिखाता हूँ इसकी वायरिंग जो किस तरीके से हमने की गई है। ये देखिए, ये गाड़ी बिहार से ही है सर, बिहार से लेंगे सर। कितने किलोमीटर बिहार यहाँ से? यहाँ से 1400 किलोमीटर, 14 किलोमीटर का चला के। तो आपको यहीं आना था काम कराने के लिए? हाँ, एक्चुअली मैं लेह लद्दाख की राइड पे था, तो उसमें मैंने सैडल बैग्स उस पर बहुत प्रॉब्लम हुई, तभी मैंने डिसाइड किया कि नहीं मैं पैनियर से डालूंगा। कहाँ से कॉल किया था आपने मुझे? मैंने आपको कॉल किया था लेह से। लेह से? लेह से। तो देखो सर ने मुझे लेह से कॉल किया कि भैया ऐसे से मुझे पैनियर्स लगवाने हैं, तो बटका पास में भैया जब मर्जी आ जाइए, जब आपका टाइम है। तो भैया आज आ चुके हैं और अब दिखाता हूँ इसके अंदर वायरिंग्स। पहले देख लो, ये इसके अंदर जो हमने लगाई है 4 LED, ये हमने लगाई विद हार्नेस, साथ में मैडो की इसमें लगी हुई है जो भैया लगा के ले गए थे पहले से ही। अब करते हैं इसकी वायरिंग चेक कराते हैं आपको किस तरीके से। ये देखिए, ये इसकी वायरिंग है प्रॉपर जो हमने करी गई है। ये लुक चेकआउट कर लो इसकी प्रॉपर। इसमें फ्यूज़ वगैरह भी होता है आपका, और रिले वगैरह भी, सारी वो इंटरनल हमने फिट कर दी है। देख लो, चेक कर लो, दोनों तरफ मिलेगी आपको पूरी की पूरी आपके एक्सपल्स के। जैसे हम हिमालयन के दिखाते ना, ऐसे कोई दिखाता नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, लोग ना सिर्फ ऊपर ही ऊपर से ऐसे नीचे से निकाल के कर देते हैं, उससे बेनिफिट नहीं होता, आपको प्रॉब्लम होती है। कल को वायरिंग वगैरह में जरा सा भी इशू हुआ तो पूरी बाइक आपकी खड़ी होती है वहीं पर वायरिंग की वजह से। तो ऑल अबाउट अभी फिलहाल वायरिंग है। इधर पैनियर एक लग चुका है, एक अभी पैनियर का काम चल रहा है, वो भी अभी लगना है इसके अंदर। टॉपबॉक्स भैया का ऑलरेडी पहले से लगा हुआ था, देख सकते हो, ये भैया ने पहले से लगवा रखा था रिफ्लेक्टर वाला। और बाकी पैनियर भी फिट करते हैं, फिर उसका दिखाते हैं आपको इसकी पूरी मॉडिफिकेशन के इसके अंदर क्या क्या काम हुआ है और क्या क्या इसमें होने वाला है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था इसके अंदर वायरिंग वगैरह किस तरीके से होती है, जैसे कि हिमालयन वगैरह के अंदर होती है, उसी तरीके से हम हर बाइक के अंदर इजी टू फिटेड करते हैं कपलर टू कपलर, जैसे मैंने आपको दिखाया था। अब मैं दिखाता हूँ इसके अंदर बाकी और क्या क्या काम हुए हैं। सबसे पहले आप देख लो, मैडडॉग के इसके अंदर फॉग लैंप्स लगे हुए हैं जो कि भैया ने पहले से लगवा रखे हैं। इसकी भी आपको रोशनी चेकआउट करा दूँ कैसी होती है। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसकी रोशनी, और इसका भी ना येलो कवर होता है जो कि अभी इस टाइम कवर हटा रखा है भैया ने, बट कवर वाला ना मेरे हिसाब से तो लगवा जरूर लेते हैं, बट कवर निकल के भी गिर गया आपका इसका? नहीं रखा वो। तो कवर जो लोग कैरी कर सकते हैं ना, उन लोगों के लिए कवर वाला बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, अदरवाइज कवर वाला मेरे हिसाब से बेकार ही होता है। जैसे कि ये भी, और एक इधर देखेंगे, ये भी हमने कवर वाले लगाए वैसे येलो कवर 4 LED। चाबी ऑन करेंगे तो रोशनी इसकी भी चेकआउट करता हूँ कैसी आती है। ये देखिए, ये इसकी हो गई येलो, और अब उतारते हैं सर कवर। कवर उतारने के बाद कैसी रोशनी आती है वो देखने को मिलेगी कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये इसकी कुछ इस तरीके रोशनी है वाइट वाली, और इसके अंदर पैटर्न मिल जाएंगे आपकी इसमें लगी हुई हार्नेस। ये देखिए, हार्नेस में पैटर्न कम से 4 to 5 पैटर्न के अंदर मिल जाते हैं आपको। ये देख सकते हैं आप, जितनी बार बटन ऑन ऑफ पुश करेंगे उतनी बार पैटर्न्स हो जाएंगे इसमें चेंज, और इसका स्विच वगैरह रिले वगैरह वायरिंग सब कुछ से इसकी आती है साथ के अंदर, जो मैंने आपको दिखाया था। अब इसको करते हैं पैक, और इसके बाद आपको देखने मिलेगा इसके अंदर GPS माउंट, देख सकते हो ये भी इसके अंदर लगा हुआ GPS माउंट, और ये ना काफ़ी हैवी क्वालिटी का भैया ने जहाँ से मंगवाया, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का मंगवाया गया, अदरवाइज ये इतना हैवी मिलता नहीं वैसे जल्दी से। तो भाई पर्सनली हेडलाइट ग्रिल भी इसके अंदर जॉइंट है, आपका GPS माउंट भी जॉइंट है इसके अंदर, तो देख सकते हो। साथ में आपको देखने मिलेंगे इसके अंदर, देख सकते हैं ये ग्रैंड पिस्टन का आपका मोबाइल होल्डर, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है, जिससे आप मोबाइल होल्ड करें कहीं भी इजी टू राइड कर सकते हो। और इसके बाद आपको देखने मिलेगा साथ में, देख सकते हैं ये इसके 360 डिग्री वाले आपके मिरर, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं दोनों तरफ। इधर भी सेम मिलता है आपको देखने को इस तरफ भी, ये देख सकते हैं। इससे क्या होता है, काफ़ी ना ब्रॉड होता है, बड़ा होता है काफ़ी, तो उससे क्या होता है पूरा पीछे का व्यू अच्छा नज़र आता है। साथ में इसमें लगा दिया गया है GPS GoPro माउंट, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है। लुक चेकआउट कर लो इसकी कैसी आती है। और जो हैंड गार्ड है ना, हैंड गार्ड लगे हुए हैं इसमें, हिमालयन वाले हिमालयन लगाते ना वो वाले इसके अंदर लगा रखे हैं, आप देख सकते हो दोनों तरफ। लुक चेकआउट कर लो इसकी कैसी आती है। और इधर आपको देखने मिल जाएगा इसके अंदर क्रैश गार्ड, जो कि हाइपर राइडर का भैया ने ऑनलाइन ऑर्डर बुक करके मंगवाया था, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया। फिटिंग समझ नहीं आई, लेकिन अजीब फिटिंग है इसकी, वैसे तो अच्छा है, बहुत हैवी है, बट चेक कर लो इसकी किस तरीके से लुकने आती है इसकी। तो क्रैश गार्ड मैंने आपको दिखाई दिया इसकी, देख सकते हैं ये लगा हुआ है हाइपर राइडर भैया ने। इधर भी सेम आप इधर भी लुक चेक कर लो, इससे आपको टैंक वगैरह और लैक्सी पूरी प्रोटेक्शन हो जाती है इसे लगाने के बाद,
और जो फॉग लैंप है ना, फॉग लैंप ना लगाने के बाद देखना क्लैंप, ये क्लैंप जो होता है ना ये इजी टू फिट इट, इस क्लैंप से अगर ये नहीं लगवाएंगे तो होल करना पड़ेगा, बिना किसी होल के लग जाएगा क्लैंप लगवाएंगे तो। और उसके बाद नीचे दिखाऊंगा आप, तो नीचे देख सकते हैं सेंटर स्टैंड, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया सेंटर स्टैंड, जो कि मिलता है आपको ओरिजिनल हीरो का, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है प्रॉपर फिटिंग वाला, आपको कोई जुगाड़ नहीं करना, सिंपली इजी टू फिटेड हो जाता है। और साथ में आपको दिखाऊंगा इसके अंदर सीट, ये देख सकते हैं ये इसकी टूरिंग क्रूजर से जो भैया ने बनवाली है, ये भी इसके अंदर कर दिया गया, इससे क्या है राइड करने में काफ़ी ईजी हो जाता है इसे बनवाने के बाद। साथ में आपको मिलते हैं इसे थाईपैड, जिससे आपका टैंक वगैरह ख़राब नहीं होता है। अब जैसे इधर भैया ने शायद लैम्पशेक कराई नहीं है तो टैंक ख़राब हो गया आपका, अब इसको भैया पेंट कराना पड़ेगा दोबारा से। इधर आपको बैक साइड देखने लगे इसके पैनियर्स, जो मैं आपको दिखा रहा था स्टार्टिंग में, ये इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है पूरी तरीके से। और ये है मोटोजेंस का ओरिजिनल, ये देखो इसके अंदर स्पेस ये मिलता है कुछ इस तरीके से। और इसकी पैडिंग वगैरह ना काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की इसकी पैडिंग होती है, जो कि आपको देखने मिल जाती है। और इसमें आप कोई सा भी सामान कभी भी इजीली लगा के अपने राइड कर सकते हो इजी। और ये देख सकते हैं फिटमेंट इसकी, ये इसकी प्रॉपर फिटमेंट है जो इसके अंदर दी हुई है, ये भी आपकी एल्युमिनियम वाली फिटमेंट है जो इसके साथ में आती है, आपको देखने मिल जाएगी कुछ इस तरह की एमजी के ओरिजिनल के अंदर, सेम इधर सेम लुक आपको मिलेगी इस तरफ देख सकते हैं। और ये होते हैं डिटैचेबल वाले, ये भी डिटैचेबल है, कहीं भी आप निकाल कर इसको रख सकते हैं, कभी भी जाना हो राइड पर तभी आप इसे लेकर, वरना इसे भी आप निकाल कर रख सकते हो। और ऊपर जो टॉप बॉक्स बताया, टॉप बॉक्स भैया ने पहले से लगा रखा है, ये टॉप बॉक्स मैंने लगा रखा है, इसकी भी देख लो लुक कुछ इस तरीके से। बाकी अगर ये नहीं लगा होता तो इसमें मेटल वाला हम लगा देते इसके अंदर आपका टॉप बॉक्स। और ये थी ऑल अबाउट इस बाइक की मॉडिफिकेशन, तो आप पूछते हैं भैया से कि उनको इसकी मॉडिफिकेशन कैसी लगी, तो आइए सर। है सर, सर कैसे हैं और कहाँ से हैं भी बताइए। मैं कटिहार बिहार से हूँ। कैसा लगा आपको मॉडिफिकेशन? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हैप्पी। जैसा सोचा था वैसा मिला? बिल्कुल बिल्कुल, उससे बेहतर मिला, उससे बेहतर, जैसा सोच के आया था उससे बेहतर मिला। ऑल अबाउट सेटिस्फाइड है? हाँ बिल्कुल। और कोई आना चाहे हमारा भाई बंधु कहीं और से? बिल्कुल बिल्कुल, बिहार से जो भी आना चाहेगा मैं ज़रूर यहाँ का रिकमेंड करूँगा उसको। चलो जी, ऑल अबाउट सेटिस्फाइड, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आने के लिए। तो ये तो भैया जो कि आए थे स्पेशली बिहार से काम कराने में बाइक का, इनकी बाइक का काम तो हो चुका है पूरी तरह परफेक्ट। आपको भी कराना अपनी किसी बाइक का मॉडिफिकेशन तो आपको कहना है, आपको आना दिल्ली करोगे नावेलन के अंदर, जो कि मिलेगी आपको राजू भाई की शॉप, आपके अपने राजू भाई की शॉप। और हमारा जो एड्रेस है लोकेशन वो बता देता हूँ, वैसे बैक साइड हमारा मिलेगा 36 नंबर गली, और फ्रंट में देखें तो आर्य समाज रोड, फ्रंट में आर्य समाज रोड है जो कि आपको देखने मिल जाएगा। और आने से पहले कॉल जरूर करें, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर डाला हुआ है, बाकी वैसे लोकेशन भी हमारे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, एड्रेस वगैरह सब कुछ मेंशन है, बाकी फिर भी आप कॉल करके एड्रेस मंगा सकते हो। और आने के बाद मैं आपको एक लोकेशन ऐसी इजी बता देता हूँ, जब आने आओगे तो आप कहीं भटक ही नहीं सकते। सबसे पहले आएंगे झंडावल मेट्रो स्टेशन के अपोजिट, जो कि मिलेगी आपको हनुमान जी की मूर्ति, विशाल मूर्ति समझ लो, वहाँ पहुँच गए तो राजभाई की शॉप पर पहुँच गए, क्योंकि जो हनुमान जी है ना वो हमारी फेस हमारी तरफ ही देख रहे हैं, मतलब उनके सामने ही है हमारी शॉप, जो उनके सामने रास्ता जा रहा है, वहाँ से अंदर आएंगे आर्य समाज रोड पर तो आते ही एक और हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी, जो कि मिलेगी हमारी शॉप के बोर्ड पर, उस चीज़ का ध्यान दोगे तो आप मेरी शॉप पे इजीली पहुंच जाओगे। बाकी वीडियो चले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करूँगा राजभाई स्कडी को, जो कि मिलेगा आपको यूट्यूब पर भी, सेम मिलेगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय मंदिर, गुड बाय।